8 दिसंबर 2021 से ये हमारा आंदोलन चला हुआ है। ये सिर्फ इसी बात पे चला हुआ है कि हमारे देश के जो पीएम हैं 2018 में उन्होंने सबसे पहले तो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से ये मैसेज आया कि आज जो हमारे पीएम हैं वो अपने मन की बात करेंगे और मन की बात सिर्फ आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए ही करेंगे। हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से मैसेज आया, हम लोगों को इकट्ठा किया गया सीएचसी सेंटरों पे, पीएचसी सेंटरों पे, वहाँ बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा के हमें पीएम मोदी की मन की बात सुनाई गई, जिसमें पीएम मोदी ने ये बोला कि मेरी आंगनवाड़ी वर्कर्स बहनें बहुत मेहनत करती हैं, इनके लिए मैं दीप अब की दिवाली पे ये तोहफा दे रहा हूँ कि वर्कर को 1500 रुपए का तोहफा और हेल्पर्स को 7.5 का तोहफा, मैं अब की बार अपनी बहनों की काली दिवाली नहीं मनने दूंगा। जिनको अब तक 3000 रुपया मिलते थे उनको अब 4500 रुपया मिलेंगे। वहीं आंगनवाड़ी सहायिकाओं को अब 1500 की जगह पर 2250 रुपये मिलेंगे। पूरे देश ने देखा, पूरे हमारे डिपार्टमेंट्स ने देखा और आज हमारा देश के जो प्रधानमंत्री है उनकी ये स्कीमें लागू की हुई, हमारे ऊपर आज तक भी लागू नहीं हुई है, वो लाभ हमें आज तक भी नहीं मिला है। हमारी लड़ाई ये उस बात की, कुछ वर्करों को मतलब इस तरीके से तोड़ा जा रहा है। 29 दिसंबर के बाद जो सीएम साहब ने घोषणाएं की थी, घोषणाएं उन्होंने की लेकिन कोई नई घोषणा नहीं हुई, एक और 1,50,000 वाली को छोड़ करके कि उन्होंने कुछ नया दिया हो। जो पुराने पे 2018 के अंदर विधानसभा में खड़े होकर के सीएम साहब ने कहा था कि इनको श्रमिक का दर्जा दूंगा, श्रमिक का दर्जा क्या होता है सभी को पता है, तो हम 2018 के में भी हमने आंदोलन किया था, तब हमने यही मांग रखी थी कि हमें मतलब ये हमारी कुछ 19 सूत्रीय मांगे थी उनको लागू करने का वायदा सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने किया था विधानसभा में खड़े होकर के, और वो श्रमिक का दर्जा 2018 से आज 2022 आ चुका है, आज तक हमें नहीं मिला है। और अभी सीएम साहब ने कहा कि मैं तो ऐसे ही आवेश में कह गया था, ये आवेश मुझे पूछना है सीएम साहब जी से कि सीएम साहब जी मुझे ये बताओ आवेश में आप बहनों के साथ ऐसा खिलवाड़ करोगे क्या, आवेश में आकर के आप कुछ भी बोल दोगे तो किसके साथ खिलवाड़ हुआ। आज तक हम ये देख रहे हैं कि उसे वर्कर और हेल्पर को कुशल और अकुशल मजदूर का दर्जा नहीं मिला, उनके वेतन को महंगाई भत्ते से जोड़ने की भी बात हुई थी, उसकी भी केवल 2 किस्तें तो दी गई, उसके बाद वो महंगाई भत्ता भी आगे से नहीं दिया गया, वो भी बंद चल रहा है। इतनी कड़कती सर्दी में, बरसात के अंदर, महामारी का भी खतरा हमारे सामने है, इन तमाम चुनौतियों को पेश होते हुए भी आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो सरकार द्वारा पहले से कहा गया, जो वायदा किया गया है, जो घोषणा की गई है, वो हमारा हक हमें दे दे। केवल हम ये जो प्रधानमंत्री की घोषणा है इसी को भी देखें तो हम ये देखते हैं कि लगभग 4 साल होने वाले हैं और इन 4 साल का भी हम 1500 रुपये का हिसाब लगाए तो एक एक वर्कर का कम से कम 72,000 रुपीज सरकार ने दबा के रख लिया है। इसमें हरियाणा का जो महंगाई भत्ता जुड़ता 4 साल का वो अलग होता, इन तमाम को दबा के रखा जा रहा है। और केवल बात आर्थिक नहीं है, आर्थिक से अलग भी स्कीम जो है ये ICDS की, इसको सरकार समेटना चाह रही है, इसको निजी हाथों में NGO को देना चाह रही है और इसका एक जो हिस्सा है जो स्कीम का वो पहले से ही उसको आशा वर्कर्स के पास वो काम स्थानांतरित हो चुके हैं। अभी जो है 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनको स्कूल भेजने की सरकार तैयारी कर रही है और साथ में ये भी तैयारी कर रही है कि 0 से 3 साल के बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को जो पोषाहार दिया जाता है उसको जो है वो से लाभार्थियों के सीधे खाते में भेज दे। और इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से इस स्कीम को भी खत्म करने की दिशा में सरकार बढ़ रही है। कम से कम हर जिले से 20-25 से तो अभी हमारे साथी टर्मिनेट कर दिए गए हैं, ज्यादा ही ऐसे संख्या। जब हम नोटिस देख के हड़ताल करते हैं तो उसमें सरकारी काम में बाधा डालने वाली कोई बात नहीं है, ये वर्करों को डराने की बात है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सरकार कह रही है कि हम कुछ नहीं करते हैं, हफ्ते में हम 6 दिन काम करते हैं, एक संडे हमारा ऑफ होता है और 6 के 6 दिन हम वहीं पे अवेलेबल होते हैं,
300 दिन हमें राशन देना पड़ता है साल में, जो हम सुबह से लेकर के और शाम तक वहाँ काम करती हैं, एक एक घर में जा कर करके हम सर्वे करती हैं। पूरे हरियाणा के जिलों में डीसी ऑफिस पर ये धरने लगे हुए हैं। इससे पहले पिछले वीक में हमने जो बीजेपी के जितने भी पार्षद और विधायक हमारे आसपास थे, हमने सभी को ज्ञापन दिया है। सभी के जरिए हमने अपनी आवाज बोला है कि हमारी आवाज को आप अपने, जब आपका सीएम और पीएम तो सुनते नहीं है, तो आप लोग हमारी आवाज बनिए, आप लोग वो करिए। तो हमें कहीं से भी कोई संतुष्टि भरा जवाब आज तक नहीं मिला है। अगर कोई भी हेल्थ वर्कर है, अगर वो फाइनेंशियली थोड़ी मतलब और साउंड होगी, तो वो डेफिनेटली एक अच्छे से प्रेग्नेंट फीमेल को मतलब फॉलो करने में उसको हेल्प होगी। उसको बस मतलब आना जाना भी पड़ेगा प्रेग्नेंट फीमेल के साथ, कई बार ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है, तो प्रोवाइड भी करवा सकती है वो। सारे जो सर्वे हुई कोविड के दौरान, उसमें हमें फ्रंट लाइन पे रखा गया, ऐसा नहीं है कि नहीं रखा गया। अब जो सरकार कह रही है कि और उसका हमें कोई मानदेय या कुछ भी प्रोत्साहन राशि अभी तक नहीं मिली। अब 2 साल से कोरोना चल रहा है, 2019 में आ गया था कोरोना, 2022 हो चुका है, तो इसमें कोई हमें पैसा नहीं मिला। और ऊपर से अब सरकार कह रही है कि जिन्होंने ड्यूटी की है उन्हीं को मतलब ये मिलेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, ड्यूटी आपने जो मेरी सामने एक जो बात आई है कि आशा वर्कर बहनों से ड्यूटी का पता चला है, लेकिन जो हमारे अधिकारियों ने हमसे काम करवाए उसका ब्यौरा कौन लेगा? किसी भी मोर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी को कम करने के लिए हेल्थ वर्कर का मोटिवेटेड होना बहुत ही जरूरी है। आंगनबाड़ी वर्कर्स के आंदोलन और बर्खास्तगी के बारे में न्यूज क्लिक ने एकीकृत बाल विकास योजना यानी ICDS के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। आज हमारी लड़ाई सिर्फ इन्हीं बातों की है कि जब PM अपने आवेश में आकर घोषणा कर देते हैं और CM की बोली हुई बातों पे कोई विचार नहीं किया जाता, उनकी बातें आज भी लागू कही नहीं जाती, तो जब CM और PM की आज के टाइम में हमारे साथ ये धोखा कर रहे हैं, तो हम किसके साथ उम्मीद कर सकते हैं? हमें शौक नहीं है रोड पे बैठने का, जो हम 49 दिन से बैठे, हमारे भी घर बार है, बच्चे हैं, और इसमें 80% विडो लगी हुई है, तलाकशुदा लगी हुई है। ये सरकार को सोचना चाहिए। एक साइड तो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ गया सरकार का वो नारा? मैं तो कहती हूँ सरकार को इस नारे को बदल के ऐसा कर देना चाहिए, बेटी बचाओ और रोड पे बिठाओ। बस मैं तो ये कहूंगी कि हमें मैटरनल मोर्टेलिटी को कम करने के लिए अपने हेल्थ सिस्टम को और अच्छे से मतलब मजबूत करने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी मैटरनल डेथ को कम से कम कर सकें। क्योंकि अगर हमारा रूट वर्कर ही मतलब सही नहीं होगा, तो वो कैसे हेल्प करेगा एक प्रेग्नेंट फीमेल की, जो कि एक लेबर में है, जो भट्टे की मजदूर है, मतलब भट्टे की मजदूर है, उसको बेचारी को कुछ भी नहीं पता है, मतलब वो अनएजुकेटेड फीमेल है। उसकी हेल्प तो यही मतलब पेरिफेरल वर्कर्स ही करेंगे, और वो हेल्थ फैसिलिटी तक हर एक फीमेल मतलब हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक हेल्थ प्रॉपर टर्शरी सेंटर तक कैसे पहुँचेगी? तो वो पहुँचेगी जब हमारा जो रूट वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर है, स्टाफ नर्सेज हैं, उनको हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दें, उनको स्ट्रेंथन करें।